आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, और आज आप जानेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आपको अभी ये दिखाई दे रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कैसे ट्रेड किया जाता है और इस पे स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है और इसमें टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है। इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ बेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के साथ। तो आप ये जान लीजिए कि जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देता है तो हर ट्रेडर का मन करता है कि वो उस पे ट्रेड करे, परंतु काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि इस पैटर्न में आपको कैसे ट्रेड करना है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरी देखिए ताकि आपको ये पता चले कि हेड एंड शोल्डर बनने पर आपको टारगेट कहाँ लगाना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आप देखिए कि हाँ जी, अब ट्रेंड का काम होता है ये वाला, परंतु इसमें होता क्या है कि इसके बाद फिर से एक बार सेलर हैवी होता है, मार्केट को नीचे लेके आते हैं, फिर एक ऊपर की तरफ प्राइस जाता है, यानी फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन साइड और फिर ऊपर और फिर नीचे। तो अब ये क्या हो गया, एक मानव की रचना के रूप में देखिए, जैसे कि गर्दन के ऊपर सर होता है तो वो सबसे ऊंचे होता है यानी सबसे ऊपर होता है, तो ये हेड हो गया, और ये दोनों साइड कंधे होते हैं तो उसको आप राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर मान लीजिए, और ये एक मानव के आकार में बनता है, ऐसे इसको समझ लीजिए कि हेड एंड शोल्डर कैसे दिखता है, एक आदमी जैसा दिखता है जिसका सर है और उसके दोनों साइड कंधे हैं, तो यही एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाता है। तो इस पैटर्न में आपको कैसे इंट्री करनी है और कैसे स्टॉप लॉस लगाना है आप देख लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, आपको अच्छी अच्छी नॉलेज प्राप्त हो, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए ताकि आपको कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो आप देखिए कि चार्ट के माध्यम से हेड एंड शोल्डर में कैसे आपको एंट्री बनानी है और कैसे आपने इसमें टारगेट बुक करना है। तो शेयर मार्केट में जो भी ट्रेडर प्रॉफिट कमाना चाहता है वो हर ट्रेडर हेड एंड शोल्डर पर काम करता है, यानी हेड एंड शोल्डर पर अपना ट्रेड बनाता है। तो इसीलिए आपको ये हेड एंड शोल्डर समझना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले समय में आप भी अपना प्रॉफिट इस हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से कमा सकें। तो देखिए आप होता क्या है कि मार्केट में अप ट्रेंड होता है, ये देखिए एक बार मार्केट ऊपर जाती है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो क्या हो रहा है आप देखिए, हायर हाई बन रहा है। कहाँ पे, ये देखिए ये हाई है और एक और हाई ऊपर, देखिए ये वाला हाई है, ये वाला फिर ये हाई है और ये हाई है, और लगातार ऐसे करके हायर हाई बनते चले जाएंगे, और जब लास्ट में एक हाई बनेगा ये वाला, इसके बाद क्या हुआ कि हायर हाई बनने बंद हो गए हैं और फिर हायर लो बनते चले जाएंगे। देखिए लोअर लो, ये हाई है और ये लो, और फिर ये हाई है, फिर इससे नीचे लो। तो आप देखिए कि जब ये हायर हाई का लगातार जो पैटर्न है बनता जा रहा है, जो हाई बनाता जा रहा है, हर एक स्विंग अगला हाई बनाता है, तो वो जब भी ब्रेक होता है, हाँ जी, जब भी ये हायर हाई का पैटर्न ब्रेक होता है उस टाइम के बाद ये क्या होता है, मार्केट नीचे की साइड चली जाती है, लोअर लो बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये आपको अच्छे से जानना चाहिए कि हेड एंड शोल्डर जब भी बनेगा तो पहले क्या था कि हायर हाई बनता हुआ जा रहा था और उसके बाद एक हाई बनता है और उसके बाद ये जो ट्रेंड चल रहा था हायर हाई का वो खत्म हो जाता है। हाँ जी, इस ट्रेंड को इसके बाद खत्म कर दिया गया है और ये लोअर लो बनाता चला जाएगा। तो इसमें होता क्या है, फिर ये देखिए कि आप एक ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है, ये आपके सामने है, और आप नीचे से एक नेक लाइन खींच लीजिए इन दोनों लो को मिला के, एक ही वाला और ये वाला। तो ये क्या है, ये है हेड और ये है शोल्डर,
और ये पैटर्न ऐसा तो है नहीं कि किसी ने फोन करके कह दिया तुम सब खरीद लो वो ऊपर चला जाएगा, तुम सब बेच दो नीचे चला जाएगा, तुम सब खरीद लो ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अचानक से किसी भी टाइम फ्रेम पे कभी भी बन सकता है, ये मार्केट के ऑटोमेटिक रूल के अनुसार ही बनता है, यानी अपनी मर्जी से बनता है, किसी के कहने से नहीं है कि सब ने फोन कर दिया कि ऊपर ले जाओ मार्केट को फिर नीचे ले जाओ, ऐसा नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक ही बनता है, ये एक संयोग से बनता है और ये आप देख सकते हैं ऐसे बनता है। ये एक हम नेक लाइन खींच लेंगे, ये वाली आप देख रहे हैं, ये एक नेक लाइन खींच लेंगे जो इसके दोनों बीच वाले लो को मिलाती हुई पार कर जाएगी। इसके बाद होता क्या है, जब ये कैंडल ब्रेक करती है इस नेक लाइन को, आप देखिए ये वाली कैंडल जब ब्रेक करती है नेक लाइन को, इसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल होती है उसमें अपनी एंट्री बनेगी। हाँ जी, उसमें अपनी ये एंट्री बनेगी, और इस एंट्री बनाने के बाद आपका क्या काम बचता है, इस एंट्री बनाने के बाद आपका काम बचता है कि स्टॉप लॉस। यस, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आपका स्टॉप लॉस है ये वाला है, ध्यान से देखिए कि आपका स्टॉप लॉस है ये वाला है जो शोल्डर के हाई के ऊपर है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जिस कैंडल ने इस नेक लाइन को ब्रेक किया है वही कैंडल का हाई, हाँ जी, या इससे पिछली कैंडल का हाई, अगर बिल्कुल भी रिस्क के कम रखना चाहते हो तो एक या दो कैंडल का हाई जो है आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। यस, ये बात अच्छे से देखिए कि इंट्राडे और ऑप्शन में डे टू डे ट्रेड करना चाहते हो कुछ टाइम के लिए, घंटा 2 घंटे के लिए आपने ट्रेड पकड़ा और आपने उसको अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला और बेच दिया, तो उसके लिए आपका ये एक या दो कैंडल का स्टॉप लॉस बनेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेड ले रहे हो और आपको लॉन्ग टर्म के लिए किस स्टॉक में बाइंग करनी है तो आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा, ये अच्छे से ध्यान से देख लेना। इसके बाद डाउन साइड के लिए ट्रेड चला जाएगा, ये देखिए कि आप इसके बाद क्या होता है, डाउन साइड के लिए ट्रेड चला जाएगा। तो अब बचता है टारगेट, टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, ये अच्छे से देखिए कि ये आपका टारगेट प्राइस है, टारगेट प्राइस होना क्या चाहिए, ये देखिए जो ये हेड है ये वाला और नेक लाइन तक ये वाला जितना भी पॉइंट का मार्केट का गैप है यहां से लेके और यहां तक, ये जो आपको बीच में सेंटर में एक डंडा दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ये समझिए ये, तो ये जितने भी पॉइंट का हाई है यहां से नेक लाइन से हेड के टॉप तक जितने भी पॉइंट का ये हाई है उसको नाप लीजिए और उसको उठा के यहां रख दीजिए ये वाला, जैसे यहां हमने रखा है, तो ये आपका जब मार्केट गिरती 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 आपकी यहां तक आ जाएगी तो आपको यहां आके क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। हाँ जी, आपको यहां आके प्रॉफिट बुक कर लेना है, बिल्कुल सही सुना है आपने, ये वाला। तो आपने करना क्या है, पहले इसको पहचानना है हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और उसके बाद क्या करना है, इसको मार्क करना है, ऐसे मार्क करने के बाद क्या करना है, आपने इसको दो जो लो आपको दिखाई दे रहे हैं शोल्डर के उनको नेक लाइन से जोड़ देना है। हाँ जी, इस तरह से नेक लाइन से जोड़ देना है, जब भी ये नेक लाइन ब्रेक होती है आपकी एंट्री यहां बनती है, ये अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, आपकी एंट्री यहां बनती है और आपका स्टॉप लॉस ये वाला है, एक कैंडल जिसने ब्रेक किया इससे पिछली कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगा देंगे और आप एंट्री बना के अपने टारगेट के लिए निकल जाएंगे, ये आपका टारगेट आ गया है। तो इससे अच्छा पैटर्न आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक अच्छा विश्वास करने वाला पैटर्न है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे आप ऑप्शन में आराम से अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा इसमें बन सकता है, और आपको अच्छी अच्छी वीडियो हर समय मिलती रहेंगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, लाइक करके रखना है, जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिस मिल जाएगा और आपको तुरंत से उस वीडियो को देखना है ताकि आपकी नॉलेज और भी बढ़ जाए। हाँ
हाँ जी, तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे आइडिया हम मार्केट से निकाल के आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।